हमारे मोदी सरकार ने हमारे मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किए हैं और करने वाले हैं और करते रहेंगे। हम लोग सब मिलकर अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लिए आंखें बिछा के रखते हैं, उनके लिए काम करने पर उतलब रहते हैं हम लोग। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बीजेपी अपनी उपलब्धियों के 8 साल पर अब एक पद यात्रा निकालकर उत्साह मना रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच यह उत्साह कितना भारी पड़ेगा लोगों पर, शायद इसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं होगा। लेकिन देखिए, तस्वीरों के माध्यम से, यह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पर किसानों को लेकर के भी यह उपलब्धियां मनाई जा रही है। विश्वास जताया जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि समाज का उत्थान हुआ, गरीबी जो है वो 22% से घटकर अब 10% पर आ गई है, केंद्र सरकार के तमाम योजनाएं धरातल तक पहुंचने लगी है, तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दिया गया था और अब वही नेता पदयात्रा निकालकर अब जगह जगह ढिंढोरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 8 साल बाद अपनी उपलब्धियां मना रही है कि आखिरकार 8 सालों के बाद अब देश कहां से कहां पहुंच गया है। सच में क्या से क्या हो गए देखते देखते, गाना आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने तमाम, देखिए शाहनवाज हुसैन की यह तस्वीर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी पदयात्रा में शामिल हुए और बीजेपी की उपलब्धियों पर फिर थपथपाते हुए नजर आए। सुनिए आखिरकार लोग इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, समर्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 8 साल की तरक्याती खिदमात जो इस देश में बिलखसूस माइनॉरिटी के लिए हुए हैं, 5,029 करोड़ की राशि जो आपने दी, उससे सभी क्षेत्रों में सिख, ईसाई, मुसलमान, पादरी और बंगाली सबको प्राप्त हुआ है। आज 8 साल बेमिसाल हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हाई कोर्ट के मजार पे उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी है, जिसमें सिख, ईसाई समाज के, मुसलमान समाज के सभी लोग मजार पे शाहनवाज जी माननीय मंत्री बिहार सरकार के साथ सम्मिलित थे। अभी हम लोग जयप्रकाश जी की मूर्ति पे जा रहे हैं, उनके मूर्ति पे उनके चरणों में हम लोग माल्य अर्पण करेंगे। पश्चात हॉल में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देंगे, जिसमें केंद्र और प्रांत के विधायकगण, मंत्रीगण, MPगण शामिल हो रहे हैं। हम सभी अल्पसंख्यक के समाज के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। इस अवसर पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रतीक एडविन जी, राजन शाह किलमेंट जो दो समाज ईसाई के हैं, सरदार समाज के हैं, और हमारे तमाम पदाधिकारीगण मुख्य रूप से इस यात्रा में, इस बैठक में भाजपा के जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं। खास तौर से हम बधाई देंगे अपने मोर्चे की ओर से, राज्य के तमाम अल्पसंख्यक समाज की ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री को कि आपकी उम्र लंबी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की खिदमत आप कर सकें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज इस गरीब सुशासन दिवस के अवसर पर क्या बोलना चाहते हैं? हमारे मोदी जी को अभी हम लोग दुआ करके आए कि उनकी लंबी उम्र हो उनकी, और हमारे भारत देश को और तरक्की अदा फरमाए, और हम लोग पूरे असंख्यक समाज जिसमें सिख, ईसाई, बंगाली, मुस्लिम सभी समाज एक हो के, एक अल्पसंख्यक हो के उनके लिए दुआ करें कि और अच्छी तरक्की करें, बढ़िया से काम करें। एक बार नहीं हो गया। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA की सरकार ने 8 बेमिसाल साल हमारे देश में पूरे किए हैं। इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर द्वारा
15 दिवसीय सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी साहब के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पटना, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार द्वारा यह पद यात्रा निकाला जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सरकार को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, साथ ही साथ प्रदेश के सारे पदाधिकारी गण को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने पार्टी के लिए आज विशेष रूप से कामना करता हूं कि इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुस्लिम समाज के लिए क्या हुआ है? हम नगछिया जिला से जिला महामंत्री बोलते हैं, भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का, ये मुमताज अली मेरा नाम है सर। हमारे मोदी सरकार ने हमारे मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किए हैं और करने वाले हैं और करते रहेंगे। हम लोग सब मिलकर अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लिए आंखें बिछा के रखते हैं, उनके लिए काम करने पर उतलब रहते हैं हम लोग और उनके तहे दिल से, हृदय से इज्जत करते हैं। देखिए मोदी जी भारत में बहुत ही अच्छा काम किए हैं और भारत का पूरे विश्व में नाम बढ़ाए हैं मोदी जी। और मुसलमान थोड़ा मोदी जी से चिंतित रहते हैं, लेकिन अब वो भी विकास के नाम पे मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के उपलक्ष में आज शाहनवाज हुसैन के तरफ से मजार पर चादर का उपलब्धि किया गया और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह निवेदन है कि इस पर कार्य करते रहे। जय भारत, जय। हेलो, ये जो लोग जातिवाद कर रहे हैं अभी देख रहे हैं आप, ये जो चादर चढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये पैगाम है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती, जात पात नहीं करती। मैं मोहम्मद मुजम्मिल खान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। आज हमारी पार्टी तुफैल खान कादरी साहब के नेतृत्व में आज हम लोगों ने चादरपोशी की है और मोदी का 8 साल बेमिसाल उस पर हम लोगों ने काम दिखा है। जो मोदी सरकार ने भविष्य भारत के भविष्य के लिए किया है वो काफ़ी बहुत ही गरीब सराहनीय है और गरीबों के कल्याण के लिए किया है और इस तरीके के भारत के भविष्य को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत उन्होंने कई ऐसी योजना लाई, जैसे आयुष्मान योजना पर और भी बहुत सारी योजना लाए हैं जिसमें से उन्होंने किया है, सक्सेसफुल हुए। मैं गया से डॉक्टर जियाउद्दीन खान, प्रदेश प्रवक्ता बिहार राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है उस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हाई कोर्ट मजार पर चादर पोशी की गई है और लंबी उम्र की दुआ मांगी गई है प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बार बीपीएससी जैसे गंभीर मसले पर भी बात कर लेना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे सुनुआ का भी एक बार जिक्र कर लेना चाहिए। बेरोजगारी के आलम को झेल रहे बेरोजगारों पर चल रही बिहार की राजधानी पटना में लाठियों पर भी एक बार जुबान खोल लेनी चाहिए थी। हम लगातार अपने हर एक वीडियोज में समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज उस दिशा में काम करेगा। समाज का छोड़िए, महज एक कार्यकर्ता या फिर किसी भी दल के क्यों ना हो, एक आदमी अपने ही नेता को खड़ा कर सवाल पूछने लग जाए कि आखिरकार उसकी दुर्दशा आज है तो क्यों है। सड़कों का बना लेना, घरों तक गैस का पहुंचा देना, बिजली का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करा लेना, अगर उपलब्धियां हैं तो बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर लेना भी उपलब्धियाँ होंगी, तो नियंत्रित क्यों नहीं हो पा रही है। सवाल बहुत सारे हैं। अब तक बीपीएससी जैसे गंभीर मसले को लेकर सरकार या सरकारी मुलाजिम कोई स्पष्ट नहीं कर सका है कि मुख्य सरगना कौन है और इसका उद्भेदन अभी तक हो ही रहा है और ऐसे में 8 साल की उपलब्धियों पर केंद्र सरकार के द्वारा पीठ थपथपाया जा रहा है। बात वो अलग की है, लेकिन देखिए तमाम अलग अलग पटना में भी कुछ नेताओं के द्वारा निकाला गया, मिथिलेश तिवारी कृषि मंत्री, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहे और
गांधी मैदान में पहुंचकर गांधी जी के प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। उसके बाद लोग आपस में खड़ा होकर एक दूसरे को संबोधित करते हुए भी नजर आए, क्योंकि आपस में ही करना पड़ रहा है। युवाओं के बीच जाएंगे, बेरोजगारी का मार झेलने शुरू हो जाएंगे, महंगाई के बीच गरीबों के बीच जाएंगे, महंगाई की मार शुरू हो जाएगी, तो आखिरकार यह पद यात्रा क्यों? बिहार में जगह जगह बीजेपी के द्वारा पद यात्रा निकाला जा रहा है और पेट थपथपाई जा रही है। देखना है इस पद यात्रा का कितना असर बिहार में देखने को मिलता है, किस प्रकार से किसान सशक्त हो जाता है, आय दोगुनी हो जाती है, या अब भी जैसे के तैसे पड़ी रहेंगी, क्या कुछ होगा आगे आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।